हाय गाइस, आप सबका स्वागत है अपने चैनल रिव्यू एक्सप्लेन में। कुछ समय से बॉलीवुड के ऑडियंस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में कोई ओरिजिनल फिल्म तो बन ही नहीं रहा है भाई, बस रीमेक के ऊपर रीमेक बन रहा है और फ्लॉप होते जा रहा है। बॉलीवुड से तो उम्मीद ही चला गया है हमारा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और बॉलीवुड मूवी देखने के लिए, क्योंकि कुछ कॉन्टेंट ही नहीं दे रहे हैं, बस रीमेक के ऊपर रीमेक ही बनाते जा रहे हैं। लेकिन फाइनली गाइस, हमारा इंतजार खत्म होता है। फाइनली हमें बॉलीवुड की तरफ से एक अच्छा कॉन्टेंट, एक अच्छा मूवी हमको देखने को मिल रहा है। हमारे फेवरेट एक्शन हीरो विद्युत जम्वाल की फ्रेश और ओरिजिनल कंटेंट मूवी आ रही है, जिसका नाम है IV71, जिसके ट्रेलर को कल ही रिलीज कर दिया गया था टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और ट्रेलर पूरी तरीके से कमाल का है, और इस ट्रेलर को देखने के बाद इस मूवी के लिए जो एक्साइटमेंट पहले से था वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि क्या इस मूवी की जो स्टोरी है, जो स्टोरी लाइन है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस मूवी में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर स्टार्ट हुआ था, पर इस बार लड़ाई न गोली या बारूद से न बंदूक से लड़ा गया, किस तरीके से एक माइंड गेम खेला गया था पाकिस्तान के साथ, और कैसे इंडिया ने अपने दिमाग से पाकिस्तान को हराते हैं, उसी की कहानी है IV71। तो गाइस, मूवी की स्टोरी सेट होती है 1971 में, तो डायरेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे हम ऑडियंस को 1971 का एक्सपीरियंस दे, ऐसा लुक्स दे। तो इस ट्रेलर को देख के ये रियलाइज हो रहा है कि डायरेक्टर ने अपना 101% इस मूवी के लिए दिया है, क्योंकि ट्रेलर को देख के लग रहा है कि 1971 का पीरियड है, 1971 का पीरियड चल रहा है बोल के। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर देख के। और ट्रेलर में जो क्लिप्स ऑफ विजन, जो विजुअल हमको दिखाए गए 1971 का, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। VFX और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज्यादा अच्छी वे में दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे वे में यूज किया गया इस मूवी के लिए। और यदि हम इस मूवी के एक्टर विद्युत जम्वाल के बारे में बात करें, तो वो स्पेशली जाने जाते हैं अपने एक्शंस के लिए, वो एक एक्शन हीरो के नाम से जाने जाते हैं। पर इस मूवी में उन्होंने एक डिफरेंट रोल ट्राई किया है, मतलब उनके कैरेक्टर से हटके कुछ ट्राई किया है। और ट्रेलर को देख के, उनके एक्टिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, विद्युत जम्वाल ने पूरा 101% इस मूवी के लिए दिए हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्टिंग वो किए हैं। और ऑब्वियसली विद्युत जम्वाल है, तो हमें थोड़ा मोड़ा एक्शन सीन्स भी हमको देखने को मिलेगा, पर इस मूवी से आप ज्यादा एक्शन उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि एक 1971 का एक पीरियोडिक टाइप का एक स्टोरी होने वाला है, एक पाई टाइप का एक मूवी होने वाला है। तो हमें यहाँ पे ज्यादातर फोकस हमें स्टोरी को करना चाहिए। हम यदि थिएटर में भी जाते हैं, तो इस मूवी के थीम को हमको सोचना है कि ये पाई टाइप का एक मूवी है, तो हमें स्टोरी चाहिए। ये सोच के आप जाओगे तो इस मूवी को आप बहुत ही ज्यादा इंजॉय करोगे। और यदि आप एक्शन के लिए जाते हो, तो ये मूवी एक्शन के लिए उतना नहीं बना है, ट्रेलर को देखे तो मुझे अभी ये लग रहा है। जब मूवी रिलीज होगा तब इसके एक्शन डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। पर वैसे भी विद्युत जम्वाल है, तो वो एक्टिंग बहुत ही अच्छा करते हैं, तो आपको एक्टिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलेगा। और इस मूवी के जो एक्टर हैं, वही इस मूवी के प्रोड्यूसर भी है, मतलब विद्युत जम्वाल इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं। और वह विद्युत जम्वाल तो हमारे सेल्फ मेड एक्टर हैं, तो हमें इस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ओरिजिनल कॉन्टेंट वाला एक मूवी है। और अगर हम इस मूवी के, इस ट्रेलर के BGM के बारे में बात करें, तो BGM बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जब आप ये ट्रेलर देख रहे हो, उस BGM का फील आपके रोंगटे खड़े करके रख देगा। और इस तरीके के स्पाई मूवी में ऐसा BGM तो बनता ही है, जो रोंगटे खड़े करके रख देगा। और एक बात भी है कि बहुत जन बोलते हैं कि हमें बॉलीवुड की तरफ से एक अच्छा कंटेंट हमें देखने को नहीं मिलता, एक स्टोरी देखने को नहीं मिलता, पर यहाँ पे आपको अच्छा स्टोरी, अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो प्लीज पब्लिक इस मूवी को बहुत ज्यादा प्यार दें, इस मूवी को जाके देखें थिएटर में। May 12 को ये मूवी रिलीज होने वाला है। तो गाइस, यदि आप लोगों ने ये ट्रेलर देख लिया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यदि आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है, तो आपको ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए उस ट्रेलर को देखिए, उस कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।